ट्रैफिक के केसेस के सिलसिले में ये बात भी बोलना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी एक ए आदमी के नाम पे गाड़ी ली जाती है और वो ए आदमी बी आदमी को गाड़ी कुछ रकम लेके बेच देता है, मगर उसके कागजात वो बी आदमी के नाम पे नहीं किए जाते हैं। उसके बाद उसके बदले में कोई बॉन्ड या ऐसी कोई सिस्टम बना के रखी है जिसका कोई सरोकार कायदे में दिख नहीं रहा है। उसके चलते वो लोगों को भी हमारी सुझाव है कि वो तुरंत गाड़ी दूसरे सामने वाले आदमी के नाम पे आरटीओ के नियम के चलते वो ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। ऐसे बॉन्ड दिखा के कागज़ दिखा के ऐसे मामलों में कड़क कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो है, जो ऑटो स्टॉप है अपने गांव में, उनको जो पॉइंट दिए गए हैं वो पॉइंट पे वो नहीं रहते हैं, पॉइंट की जो संख्या है उससे ज़्यादा रहते हैं। और तो और वो दिन में रात में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसे कस्टमर लोगों से लेते हैं। मानो नए बस स्टैंड से मौसम पुल आना है तो 5 रुपये लेने चाहिए तो 10 रुपये लेते हैं, 10 रुपये लेने चाहिए 50 रुपये लेते हैं। टाइम देख के वो सामने वाले की ज़रूरत देख के ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ऐसे भी कंप्लेंट आ रहे हैं। ये भी एकदम उनका गलत तरीका है, गलत रवैया है, उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। मालेगांव शहर में ट्रैफिक के चलते रास्तों के काम चालू है, नए रास्ते बनाए जा रहे हैं, कहीं पे उसके लिए खोद काम चालू है, कहीं पे नया रास्ता बनाने के वास्ते रास्ता बंद कर दिया गया है, उसके लिए घूम के दूसरी तरफ से अपने को जाना पड़ रहा है। और वैसे भी देखा जाए तो शहर में मोटरसाइकिल, 4-व्हीलर, 3-व्हीलर सभी गाड़ियाँ जो है बड़ी व्हीकल्स, इनके चलते कुछ दिक्कतें आ रही है। उसके लिए हमने ट्रैफिक ब्रांच मालेगांव शहर और सभी पुलिस स्टेशन उनके जानिब से ट्रैफिक के केसेस का काम अभी शुरू कर दिया है। ये काम पीछे में भी लगातार चालू रहा है, उसके सिलसिले में कुछ बातें हमारी ध्यान में आई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। उसमें पहला है कि हमारे गांव में हम देख रहे हैं 2-व्हीलर मोटरसाइकिल पे 2 की जगह 3 सीट 4 सीट लोग घूम रहे हैं, ये एकदम कानूनन एकदम गलत बात है, उन पे भी हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि जो 2-सीटर गाड़ी है उसमें 2 ही लोग बैठे, उसमें 3 लोग 4 लोग बैठने से कुछ भी बड़ा वाकया हो सकता है, उसमें जान और माल का गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, और ये एकदम गलत बात है। दूसरी बात है कि जो गाड़ी के नंबर है वो फैंसी तरीके से लगाए जा रहे हैं, उसमें किसी मामा, दादा, नाना, भाऊ ऐसे शब्द भी जोड़ दिए जा रहे हैं, और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें दिख नहीं रहा है। आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से जो नंबर का फॉर्मेट दिया गया है वो सब नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदार लोगों को पता रहता है, प्रिंटिंग करने वाले लोगों को पता रहता है, एडीएम शॉप वालों को भी वो पता रहता है, उसी फॉर्मेट में वो नंबर उसमें लगाना चाहिए। और तो और कुछ गाड़ियों पर तो नंबर ही नहीं रहता है, ये तो किसी एक्का दुक्का गाड़ी का अगर होता है तो हम समझ सकते हैं, मगर ऐसी ज़्यादा गाड़ियाँ मिल रही है तो उसका हमको ऐसा लग रहा है कि ये किसी गुने में तो कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा है, या कोई गुने में चोरी हुए वाली तो गाड़ी वो लेके नहीं घूम रहा है। इसलिए वो भी हमारा कहना है कि गाड़ी को नंबर प्लेट चाहिए और वो आरटीओ की तरफ से दिए गए फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद आता है रॉन्ग साइड तरीके से हम गाड़ी को चला रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि इधर नो एंट्री है, इधर में अपने को जाने के बाद ये रॉन्ग साइड हो जाता है। रॉन्ग साइड से क्या होता है, आगे से आने वाले गाड़ी को तुम आ रहे हो ये पता नहीं रहता है, और उससे कोई बड़ी घटना या कोई वाकया एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें भी जान का नुकसान हो सकता है। ख़ास तौर करके नया बस स्टैंड जो है वहाँ से हम कुसुम्बा रोड की तरफ जाते हैं तो मिलन होटल की तरफ से न जाते हुए बस स्टैंड की तरफ जो ऑटो का जो स्टॉप है उसके बाजू से गाड़ियाँ कुसुम्बा रोड की तरफ ली जाती है। वहाँ पे हेवी व्हीकल है, बस है, इनका भी वहाँ पे मूवमेंट रहता है, तो खुदा न खास्ता कोई गलत बात वहाँ पे हो सकती है, आप लोग उस पर भी तवज्जो दें। उसके बाद मोहन टॉकीज जो है, सरकारी दवाखाना मोहन टॉकीज का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं आजकल की मौसम पुल पे एक ही ब्रिज चालू है, उसके चलते मोहन टॉकीज से कोर्ट को जाने के लिए हम कैंप रोड से ठीक तरीके से जाते हैं, मगर मोहन टॉकीज से एडिशनल कलेक्टर ऑफिस जाते समय हम वहाँ पे रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, जो कि एकदम गलत है।
एडिशनल कलेक्टर ऑफिस की तरफ से कोई उपोषण रहता है, वहाँ कोई मोर्चा रहता है, पुलिस बंदोबस्त भी रहता है, तब रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आती है, कोई हादसा होता है, तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमको ये भी कंप्लेंट आ रही है कि पार्किंग के जो जगह बनाए हैं वहाँ पे पार्किंग न करते हुए रोड पे कहीं भी आड़ा टेढ़ा गाड़ी लगा के गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, उससे जो दो बड़ी गाड़ियाँ पास होने वाला रास्ता है वो एकदम छोटा हो जाता है। तो हमारी ये भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से जहाँ भी गाड़ी लगाए तो अपने गाड़ी लगाने से दूसरे को परेशानी ना हो, जो मेन ट्रैफिक है वो ट्रैफिक स्लो न हो, इसलिए भी हमको अच्छी तरह से पार्किंग करना है। जो बड़े कॉम्प्लेक्स है, बड़े आस्थापना है, दुकान है, उन्होंने भी उसके लिए कोई ना कोई उनका सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन उसके लिए रखना ज़रूरी है, जिससे वो गाड़ियों की बराबर से पार्किंग लगा सके, न कि पार्किंग गलत तरीके से लगने से रोड जाम हो जाए। उसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इनके एरिया में ज़्यादा गर्दी रहती है, खासतौर के स्कूलों के जो भरने के और छूटने के टाइम रहती है, वो टाइम पे हम जब गाड़ी वहाँ से ले जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम वो स्कूल के बच्चों को पहला प्राधान्य दे और उसके बाद अपना व्हीकल हम आगे लेके जाए। और हॉस्पिटल और स्कूल के बाजू से जाते समय हॉर्न बार बार मत बजाए, हॉर्न भी जो है वो जो कंपनी की तरफ से आता है वही हॉर्न लगाए, न कि बड़ा कोई पुंगी वाला हॉर्न, कोई अलग म्यूजिक वाला हॉर्न, उससे पता नहीं चलता है कि ये गाड़ी का हॉर्न है या दूसरा कुछ गलत तरीके से कुछ उसका यूज़ हो रहा है। उसके बाद ऐसा है कि जो गाड़ी कंपनी से हमको मिलती है, खास करके टू व्हीलर के बारे में बात बोल रहा हूँ, उसका जो साइलेंसर है वो एक तो निकाल दिया जाता है या उसका फिर वो फायरिंग है वो चेंज कर दिया जाता है। तो इससे जो अभी नए बच्चों में जो ट्रेंड है कि महंगी गाड़ी लेना और उसका साइलेंसर निकाल देना या साइलेंसर में बदलाव करना और उसका जो एक्सीलेटर है वो बड़ा बड़ा के बड़ी बड़ी आवाज़ करके रास्तों पे घूमना, इससे भी लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, लोगों के कंप्लेंट बढ़ रहे हैं। हमने पीछे में कार्रवाई भी की है, अभी भी ज़रा कार्रवाई का हमने जोर बढ़ा दिया है। तो उसके दौरान मैं अभी आखिरी में आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक ब्रांच इनकी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसको आप पॉजिटिवली ले, अपने पूरे गाड़ी के कागजात, पोल्यूशन के पेपर, रजिस्ट्रेशन के पेपर और अपना गाड़ी का अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब साथ में रहने के बावजूद भी अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपको दिखाना है, उनसे आदेदाजी नहीं करनी है, उनसे बेकायदेसर कोई काम में नहीं करना है जिससे आपके अगेंस्ट कोई और बड़ी कार्रवाई करने की हमको नौबत आए। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? क्योंकि ऐसा होता है, कार्रवाई होती है कुछ दिन चलती है, 8-15 दिन फिर कार्रवाई बंद हो जाती है। तो लोगों में ये है कि भाई कार्रवाई होती है, 8-10 दिन चलती है, बंद हो जाती है, फिर वो उसी तरीके से करने लगते हैं। बराबर है, ये कार्रवाई तो रेगुलर चलती रहेगी, जैसे मनुष्य बल अपनी तरफ जो मैन पावर है वो कभी कम रहता है तो कम कार्रवाई होती है। अभी मनुष्य बल अच्छी तरह से हमने दिया है, हम उसके लिए पूर्ण जोर से कार्रवाई में सातत्य रखने के लिए हम देख रहे हैं, मगर आप लोगों से, जनता से भी हमारी उम्मीद है कि बस कार्रवाई हो रही है इसलिए कायदे को पालन करना है, ऐसा न रखे तो पुलिस रोके या न रोके, हम अपनी तरफ से भी अच्छी तरीके से कायदे का पालन करेंगे, ये भी आप अपने जहन में रख ले। और कोई भी पालक लोग जो है, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं खास करके, उनके जो पालक है, उनके जो माता पिताजी है, तो उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि आप बच्चों को गाड़ी लेके देते हो मगर ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज़ ये सब रखने के लिए उसका आप कुछ बोलते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो और फिर कोई कार्रवाई होती है तो आप फिर हमारी तरफ आते हो और उसके लिए कार्रवाई न करें इसलिए आप विनती करते रहते हो, जो कि हमारे हाथ से बाहर गए वाली बात रहती है। इसलिए मेरी आखिर में यही अपेक्षा है कि जो कार्रवाई चालू है उसका आप तवज्जो दें, उसका पूरे पालन करें और पुलिस को सहकार्य करें, तो उनके तरफ भी आप बगैर लाइसेंस के मैंने से बोला है, डॉक्यूमेंट नहीं रहने से हम उनसे भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें भी अभी जैसे मैं जो मैं जो गाड़ी लेके देने वाले पालक है उससे मेरी दिखती है कि वो भी इस बात को ध्यान रखें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी उसका ना दें।